बैटरी चेंज कर ले। भयावह दृश्य था। मैं तो यहाँ की जनता का दाद देता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया, प्रथम व्यक्ति आकर के लोगों ने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को खबर किया, जिलाध्यक्ष वो खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के भागते हुए सारे लोगों को टेलीफोन करके हजारों लोग यहाँ जुड़ गए। और NDRF का मैंने 10 बजे के लगभग 9:06 में मुझे खबर आई, मैंने रेल मंत्री से लेकर के तमाम प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी खबर भेजा, सबका इंस्पेक्शन शुरू हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। GM और तमाम यहाँ के चीफ सेक्रेटरी DG, यहाँ के DM, तमाम बगल अगल के DM सबको खबर किया, हॉस्पिटल को अलर्ट किया, एम्स को, PMCS सब जगह कि आपके यहाँ पेशेंट आ सकते हैं, आप डॉक्टर को बुलाओ। और यहाँ पर दर्जनों एम्बुलेंस गाड़ियाँ डॉक्टर के साथ लोग जगह जगह से पहुँचना शुरू हुआ, अन्य जिलों से भी। तो मैं जो लोग इस काम में सेवा काम में लगे, जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनका और उनको साधुवाद देता हूँ, उनको सद्बुद्धि के कारण, उनके कुशल प्रयास से और अतुलनीय प्रयास से हम बहुत लोगों की जान बचा पाए। मैं रात भर चल करके हॉस्पिटल का भी खबर ले रहा हूँ। NDRF ने देखिए रात से पूरी तरह रेल प्रशासन और आम लोग, सबसे ज़्यादा आम लोगों के सहयोग से हमारे लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे और लगातार देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सूचना हम लोगों से लिया, गृह मंत्री जी और नड्डा जी ने भी पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली, क्या क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। रात से ही हम लोग सभी लोग इस काम में लगे थे, सभी लोग सुरक्षित हो सबसे पहला यही टारगेट। क्या लग रहा है रेल मंत्री जी से भी बात हुई है, रेल मंत्री जी भी पूरी तरह चिंतित है, सभी ऑफिसर्स को भेजा है, जरूरत पड़ेगा तो जरूर आएंगे। कारण क्या लग रहा है, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको, क्या कारण? ये तो जाँच का विषय है,
अभी इतना बड़ी घटना घटी है, रिस्टोर का काम रेलवे प्रशासन कर रहा है। तो देखिए साहब, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि तमाम गृह मंत्री जो है, रेल मंत्री जी उनसे बात की है, ट्रैक को खाली कर देंगे, ट्रेन आ रही है। ये जांच का विषय है, देख सकते हैं।